गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बीएससी पार्ट थर्ड के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के साइक्लिक ग्रुप की एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम है कि सिद्ध कीजिए कि किसी एन परिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही घटक होते हैं। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके केवल और केवल दो ही घटक होंगे, दो ही जनरेटर होंगे। ये प्रूव करना है। मान लेते हैं कि मतलब g इक्वल्स टू a a है परिमित चक्रीय ग्रुप है। अब चूंकि हम जानते हैं थ्योरम पहले हमने इस कक्षाई के ग्रुप में ही कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप में अगर विरोधाभास है।
ये वैल्यू ए इनवर्स है जो कि दोनों अलग अलग है। अब हमें दिखाना है कि ए और ए इनवर्स के अलावा इस ग्रुप जी के कोई और घटक नहीं होंगे। अब हमें दिखाना है कि ए वैल्यू ए इनवर्स के अतिरिक्त एक का जनक
नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि धंधे से लाइट जी इक्वल्स टू ए जो कि है पहले के चक्रीय लूप का के दो और केवल दो ही घटक ए व ए इनवर्स होगा, यानी प्रत्येक चक्रीय ग्रुप के दो और प्रत्येक ए पहले चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही घटक होते हैं। अब हम एक यहां एक थ्योरम मान लो कि नोट करके के लिए टिप्पणी है तरीके से उसको एक एक कोई प्रॉब्लम्स में काम में लेंगे कि यदि ए किसी एन कोटि के परिमित चक्रीय ग्रुप जी का जनक हो तो जी के अन्य जनक एक ही पर आर रूप के होंगे जहां आर की वैल्यू क्या होगी जहां आर लेस देन एन होगा तथा आर एन के सापेक्ष अभाज्य भी होगा यानी प्राइम नंबर भी होगा इसके रेस्पेक्ट में। तो ये गेट स्टेटमेंट है कि यदि एन कोटि का कोई परिमित चक्रीय ग्रुप है और ये उसका जनक है तो उस परिमित चक्रीय ग्रुप के जो अन्य जनक होंगे वो एक ही पावर आर रूप के होंगे जहां आर की वैल्यू एन से कम होनी चाहिए और साथ में ही एन के सापेक्ष अभाज्य भी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं और प्रॉब्लम क्या है कि उस सक्रिय ग्रुप के जनक ज्ञात करने हैं जिसकी कोटि उस परिमित सक्रिय ग्रुप के जनक ज्ञान कीजिए जिसकी कोटि आठ है एक है एक है मतलब कोई भी एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि उस परिमित चक्रीय ग्रुप जी के जनक ज्ञात करने हैं जिसकी कोटि आठ है। तो अभी हमने कहा कि ये क्या हो गया इसकी कोटि आठ है या एन है एन की जगह आठ ले गए परिमित चक्रीय ग्रुप है तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लिया जाए माना चक्रीय ग्रुप जी का एक जनक ए तो जो चक्रीय ग्रुप है उसका एक जनक क्या ले लेते हैं ए ले लेते हैं। तब अभी जो गर्म की थी जैसे एक स्टेटमेंट बताया मैंने तो उससे तब जी के अन्य जनक क्या हो जाएंगे ए की पावर आर रूप के होंगे और यहां पर क्योंकि एन की वैल्यू क्या है आठ है तो जहां आर लेस देन एट होगा और आठ के सापेक्ष
अब आज के जो हमने कुछ किया तो 8 के सापेक्ष 8 से छोटी अभाज्य संख्या क्या-क्या बनेगी वो r की वैल्यू बनेगी। तो जैसे 2 8 के सापेक्ष अभाज्य नहीं है लेकिन 3 8 के सापेक्ष एक अभाज्य संख्या है, इसी तरीके से 5 है और इसी तरीके से 7 भी 8 से छोटी है और 8 के सापेक्ष अभाज्य संख्या भी है। इसलिए जो चक्रीय रूप g का जिसके ऊपर की 8 थी उस g के जनक क्या-क्या होंगे a की पावर 3 a की पावर 5 और a की पावर 7। थैंक यू।